आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे। थोड़ा क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं, इसलिए बुक में देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आप अपनी स्टडी टेबल पे, सपोज करो आपका ये स्टडी टेबल है, इस पे आप जो स्टडी लैंप है उसकी पोजीशन को कैसे शो करोगे। सपोज दैट ये आपका स्टडी टेबल रखा हुआ है, इसकी पोजीशन को कैसे शो करोगे आप। ये करोगे टोटल लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी टेबल की, या स्क्वायर होगी तो दोनों खोल दूंगी, या रेक्टेंगुलर है तो लेंथ और ब्रेथ होगी, लेंथ लॉन्ग साइड होगी, ब्रेथ शॉर्ट साइड होगी। अब ये लेंथ है कहाँ रखा है आप इसके लेंगे। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। 10 सेंटीमीटर आपको कम लग रहा है तो सपोज करो ये कितने के, जितना भी आप इसके चलेंगे 20, 25, 30 जितना भी ले सको आप। ये सपोज दैट कर लो, या तो आप चेक कर लेना इसके चलेंगे, या सपोज कर लो 20 सेंटीमीटर और यहाँ से कितना लगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ आपके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, बताइए यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो। एक तो ये कोऑर्डिनेट हो गया और ये कोऑर्डिनेट हो गया, जो आगे आपको समझना है हॉरिजॉन्टल और पैरेलल। अब ये क्या है बेटा, ये एक्स एक्सिस है जो अभी आगे आपको करना है, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में नहीं। और ये क्या है बेटा, वाई एक्सिस। अब एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या बॉडी स्टेट जो लैंप के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकते हैं बेटा। अगर हम पहले 20 लें और फिर क्या लें 10 लें, दूसरे क्या बोल सकते हैं हम 10 20। ये डिपेंड करता है कि किस एंगल में, अगर टेबल इसमें है तो ऐसे यहाँ रखिए तो ये पहले बात क्या है कि ये आपकी टेबल की क्या है पोजिशन। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है, वर्बली करनी है ना कुछ ज़्यादा सर नहीं है। सेकेंड है बेटा, लंबा क्वेश्चन है तो पढ़ी ना होगा। स्ट्रीट प्लान, ए सिटी हैज टू मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दिस टू रोड आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये दो रोड स्ट्रीट मेन है जो सिटी के बीच जो बीच एक नॉर्थ साउथ का बेटा और एक ईस्ट वेस्ट का। क्लियर। अब ये कहा है, ये टू रोड की बन चुकी है अपने को, जहां तक क्वेश्चन हमने पढ़ा है उसके बाद में एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का है और एक ईस्ट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड एंड आर 200 मीटर अपार्ट, ठीक है। देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ड्रा ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाई सिंगल लाइन। अभी कह रहा है रोड और सिंगल लाइन को 5 स्ट्रीट तो नहीं होगी बेटा, 1, 2, 3, 4 and 5 एक साइड में ले गया मैं, एक साइड में ले गया दोनों साइड में। Thank you.
सेंटर, जैसे इसको नाम दे दूंगा रोड फर्स्ट या स्ट्रीट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इस साइड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सही, दो रोड है, एक फाइव के अंदर है बेटा नॉर्थ और साउथ में, और फाइव इसमें है ईस्ट और वेस्ट में है बेटा। ये है, अब हमें ये हमारा क्या हो गया ना, ये एक तो क्रॉस पॉइंट कितने हो गए, यहाँ क्रॉस पॉइंट हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये सारे चटाखाएं क्रॉस हो रही है, सारे के सारे क्या हो रहे हैं, क्रॉस पॉइंट। अब इस क्रॉस पॉइंट को क्या नाम देंगे, इसके लिए बात कर रहा है। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई टू स्ट्रीट, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ एंड डायरेक्शन एंड अनदर इज ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफरेंड टू इन द फॉलोइंग मेजर, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ रन इज द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट द सम क्रॉसिंग देन He will call the cross street to five। यानी कि अगर नॉर्थ की सेकंड है, नॉर्थ साउथ की, और ये कौन सी बेटा, ये फिफ्थ है, ये ले रहा है, तो इसे इस पॉइंट को क्या नाम दे रहा है वो बेटा, टू एंड फाइव। यानी कि नॉर्थ वाले को कहाँ लिखा है, वो पहले लिख रहा है, नॉर्थ और साउथ वाले को कहाँ लिख रहा है, पहले लिख रहा है, और ईस्ट और वेस्ट को कहाँ लिख रहा है बेटा, बाद में लिख रहा है। सेकेंड नंबर हो गया, और ये कौन सा हो गया, फिफ्थ नंबर हो गया। यूजिंग द दिस कॉन्वेंशन फाइंड, पहला है बेटा हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफंड एट टू एच फोर एंड थ्री। फोर साउथ का कैसे, नॉर्थ साउथ का कौन सा लेना है, फोर तो इसका कौन सा लेना है, ये हो गया बेटा फोर एंड थ्री। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफंड टू एच थ्री एंड फोर, थ्री इसका कौन सा लेना है बेटा, थ्री क्लियर या स्टेटमेंट।